करुणा जी, मैंने वादा किया है आपसे, विवान को ढूंढकर मैं जरूर लाऊंगा। ये एक बेटे का वादा है एक माँ से। मस्ती पर हमें करुणा जी की हिम्मत को कम नहीं होने देना, क्योंकि बाकी सबकी उम्मीदें उनकी हिम्मत से जुड़ी हुई है। तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं करुणा जी के साथ हर पल रहूंगी। करुणा जी, तुम टेंशन क्यों ना का, मैं भी शहर के हर पुलिस चौकी में विवान के बारे में खबर करता हूँ। कानून पूरी ताकत से विवान की तलाश करेगी। मुझे भी वीर लोग से परियों को बुला लेना चाहिए, ताकि विवान को जल्दी से ढूंढा जा सके। ये क्या बना दिया आपने? ये है काल परी, हमारी गुलाम। जैसा हम कहेंगे वैसा करेगी। अब आएगा मजा, जब अपनी माँ का सामना करना पड़ेगा बालवीर को। वीर तिलक का समय निकला जा रहा है, मुझे जल्द से जल्द अपनी सारी शक्तियों से विवान को ढूंढना होगा। बालवीर, हमें मस्ती परी का संदेश मिला और हम यहाँ पे आए विवान को ढूंढने। बहुत अच्छे परी, आप सबको अपनी शक्तियों से विवान को ढूंढना होगा। चलिए। ये कैसे हो सकता है? हमारी सारी शक्ति अब इससे टकरा कर वापस आ गई। कहीं विवान को गायब करने में कालों का हाथ तो नहीं? नहीं, धरती पर ना ही वीरलोक ना ही काललोक की शक्ति चलती है, तो ये काम किसी काललोक वाले का तो नहीं हो सकता, किसी और का है। अगर ये काललोक की ऊर्जा नहीं है तो फिर ये कौन सी शक्ति है जो मैं विवान को ढूंढने से रोक रही है? पता नहीं, लेकिन ये जो भी शक्ति है उसका केंद्र बिंदु भारत नगर में ही है, यानी वो हमारे आसपास है। यही कहीं हमें उसे ढूंढना होगा। चलो परी। हम हमारे दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि शहर में जो बच्चा चोर गिरोह सक्रिय हुआ है उसके बारे में हमें अभी अभी एक ताजा खबर मिली है। हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि इस गिरोह ने दो और बच्चों का अपहरण कर लिया है, जिनमें से एक बोरीवली के रहने वाले रोहन सिंह है, जिनकी उम्र मात्र 12 साल है, और एक बच्ची है जो मलाड की रहने वाली 10 साल की टीना है। इसी के साथ हमारे संवाददाता को भारत नगर पुलिस
पुलिस चौकी के प्रभारी इंस्पेक्टर गिरपाड़ी जी ने ये भी बताया कि वहां से भी 10 साल का एक बच्चा लापता है जिसका नाम है विवान और उनकी तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। अरे आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इस तरह टीवी पर न्यूज देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। दुनिया समाचार बनाने वाले बदलते हैं, देखने वाले नहीं। और अब समाचार हम बनाएंगे कि भारत नगर के वासियों ने एकजुट होकर उनके डैम्पर्स को धर दबोचा। हाँ करुणा जी एकदम ठीक कह रहे, हमें बाहर जाकर विवान के बारे में पता करना चाहिए। उसके बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी कानून के काम आ सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम सब मिल जाएं, तो बड़े से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। फिर ये किडनैपर क्या चीज है? मैं तैयार हूँ काका, चलिए। मैं भी तैयार हूँ। और विवान मेरा दोस्त है, मैं भी उसे ढूंढने चलूंगा। मीटू काएगा? मीटू तीन बच्चे पहले से ही गायब है। नकोरे बाबा तुम कहीं नहीं जाओगी, सारे बच्चे घर में ही रहेंगे। लेकिन अगर सारे बच्चे घर में रहेंगे और सारे बड़े बाहर, तो गुंडे तो घर के अंदर से ही बच्चों को उठा के ले जाएंगे। क्यों? कोई अकेला नहीं रुकेगा यहाँ पे। हम सब तीन तीन का ग्रुप बनाकर ढूंढने निकलेंगे और हर एक बच्चों के साथ कम से कम दो बड़े तो होंगे ही। हाँ। चलो चलिए चलो। शक्ति यहीं पर थी और वो उस तरफ गई। चलो ये बालवीर, इसे शायद मेरे होने का एहसास हो गया है। इसका तो ध्यान भटकाना पड़ेगा। काल यज्ञ के लिए भी और भी बच्चे इकट्ठा करने बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बुरी शक्ति यहीं कहीं थी। हमें ढूंढना होगा, उस तरफ चलो। रुको, माँ आप? हाँ। माँ कहाँ थी आप इतने दिनों से? वो विवान की हमने दोनों परीक्षा ले ली, तीसरी परीक्षा लेने ही वाले थे कि विवान अचानक गायब हो गया। हमें मिल ही नहीं रहा है, हम कब से ढूंढ रहे हैं उसे। हाँ मैं जानती हूँ, और इसलिए तो मैं शौर्य के पास गई थी। शौर्य ने बहुत कोशिश की विवान की ऊर्जा ढूंढने की, पर शौर्य भी विवान को नहीं ढूंढ पाए। यहाँ तक कि काललोक में भी ढूंढने की कोशिश की, और विवान काललोक में नहीं है। इसलिए अब हमें ही विवान को कहीं ना कहीं ढूंढना होगा, और हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी से ढूंढते हैं उसे, चलो। माँ कहीं बालवीर को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? क्या बात है बालवीर? वो बहुत समय हो गया था आपसे मिले, हमें आपकी बहुत जरूरत थी। हमें विवान को ढूंढना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। माँ आप उस तरफ जाइए। परियो चलो।
बालवीर, तुम जाओ उस दिशा में और मैं जाऊंगी उस दिशा में जहां बच्चे होंगे। अब उन बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तिम्नास्सा का काल यज्ञ होकर रहेगा। विवान, 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 पिंटी, तेरा आइडिया बहुत बढ़िया है। इन नकली मूंछों में तो हम भी बिल्कुल बड़े टाइप लग रहे हैं। भैया, अब हमें कोई किडनैप नहीं करेगा। अगर किसी ने किडनैप करने की कोशिश भी की ना, तो हम अपनी मूंछ पर ताव मार के बोलेंगे कि बेवकूफ, हम तुझे बच्चे दिखते हैं क्या? अरे चिंटी, देख तेरी मूंछ निकल गई है, उसको ना चिपका ले। हाँ, लाइट दूं? ले ले। चोर नहीं है, हम बच्चा है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मूंछों वाला कौन सा बच्चा होता है? अरे मेरे बच्चे होते ऐसे। अरे गोपू, ये हमारे चिंटू चिंटी हैं। अरे तो पहले बोला था ना कि गोपू रुक जाओ। अरे यार, घबराहट में दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वो तो तुम्हारा वैसे भी नहीं काम करता चिंटू चिंटी। चलो चलो विवान को ढूंढते। विवान, 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 विवान। सुतली, यहाँ वहां मत जा, मेरे साथ है, समझी? मजहर बन। डोंट वरी मॉम, मैं आपके सारे चल रहे हो। चल मजहर बन। विवान, 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 विवान। आ जाओ बच्चे, मेरे पास आ जाओ। यहाँ आ जाओ। विवान, 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 विवान बेटा। सुतली, सुतली कहाँ है? अभी तो यहाँ थी। सुतली बेटा, सुतली कुछ तो अजीब है। ए! रुको, इससे पहले कि ये धरती छोड़कर भाग जाए, मुझे पृथ्वी से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करने होंगे। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है?
अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। भला इसी में है कि तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दो और उस बच्ची को छोड़ दो। हो सकता है मुझे तुम पर दया आ जाए। दया की भीख तो तुझे मांगनी पड़ेगी मेरे पैरों पर गिर गिर कर। अरे आप? माँ, आपने यहाँ किसी को देखा? हाँ बालवीर, हाँ मैंने अभी अभी किसी को भारत नगर के दरवाजे की तरफ भागते हुए देखा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर नहीं रोक पाई। वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली था। पृथ्वी पर माँ से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? अब बालवीर सोच क्या रहे हो, वो उस तरफ गया था। चलिए माँ। बालवीर, अभी तो तुम मेरे सामने बच्चे हो। तुम्हारे पास ना ही मुझे रोक पाने की ताकत है और ना ही उन बच्चों को मुझसे बचाने की। सुतली, सुतली, कहाँ हो सुतली? सुतली, सुतली, कुछ सीखिए इस कालपरी से। नई नई कालपरी बनी और देखिए कैसे फटाफट से बच्चे उठाए जा रहे। अगली बहरानी तो यही बनेगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। तौबा तौबा, ये सिर्फ वो 12 बच्चे इकट्ठा कर रही है, लेकिन इन बच्चों में सबसे कीमती बच्चा विवान, वो तो मेरे पास है। जिसके बिना ये काली यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता। आप लोग यहाँ आइए, सुनिए। अरे किसी ने मेरे चिंटू को देखा है क्या? चिंटू नहीं तो? रात में घर पे ही था, सुबह से कहीं नहीं मिल रहा है। बापू सच बता, चिंटू तेरे साथ था? नहीं पापा, मैं तो पूरी रात घर पे ही था। देव, मेरी सुतली मिली क्या? माँ, मेरी सुतली के बिना मेरी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। देवा, मेरी सुतली को सही सलामत मेरे वापस भेज दे भगवान, वापस।
तुम लोग जितना पैसा मांगोगे हम सब देंगे। वापस ले आओ। आप सब ऐसे हिम्मत मत हारी। देखिए दिवाली का समय है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। विवान, सुतली, चिंटू और बाकी सारे बच्चे जहां कहीं भी है हम उन्हें ढूंढकर वापस लाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ, हमारे बच्चे जरूर वापस आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हौसला रखिए, वो लोग आएंगे वापस। मस्ती परी, ऐसे समय पर करुणा जी को हिम्मत जुटाना आसान नहीं होगा। हमें उनकी हिम्मत कम नहीं होने देनी है। अच्छा, मैं आप सबसे एक विनती करता हूँ, हो सके तो आप सब एक ही घर में रहिए एक साथ, ताकि वो चिंटी, गोपू, खुशी और बाकी बच्चों को भी ना उठा पाए। हमें इन सभी बच्चों को कड़ी सुरक्षा में रखना होगा, 24 घंटे इन पर नजर रखनी होगी ताकि इन्हें कोई भी ना उठा सके। सारे बच्चों को मैं वापस लाऊंगा, ये वादा है मेरा, बालवीर का।